हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किसी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही झटपट बन जाने वाले आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सब्जी ऐसी सब्जी है कि सबके घर में सभी के साथ खाया जाता है, जैसे कि पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल के साथ। तो इसे हम बहुत ही कम मसाला में और बहुत कम टाइम में बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई लेना है। गैस को हमने ऑन कर लिया। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच मेथी दाना डाल रहे हैं, क्योंकि बैंगन की सब्जी में मेथी दाना का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, यानी कि हम छोटे छोटे चम्मच से डाल रहे हैं। जीरा और मेथी को हम हल्का सा चटकने देंगे। फोरन को कभी जलाते नहीं है। हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम उसमें सब्जी छौंकते हैं। आप देख सकते हैं जीरा का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। बैंगन की सब्जी की खास इंग्रेडिएंट हींग भी होता है, बहुत ही टेस्ट आता है इससे। हींग डालने के बाद हम इसमें 1 प्याज, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, उसे फोरन में छोड़ देंगे। प्याज को हम तेल में कुछ मिनट के लिए भूनने के लिए थोड़ा कलर चेंज होने देना है। और इसी के साथ में हम लहसुन भी डाल देंगे। तो हमने 4 कली लहसुन को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। यहाँ पे हमें पेस्ट नहीं डालना है, कली को छोटे छोटे टुकड़े में काटना है या तो ग्रेटर से पेस्ट कर लेना है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। प्याज हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने बीच से ही काट रखा है, क्योंकि सब्जी में किसी को ज्यादा तीखा पसंद होता है, किसी को थोड़ा पसंद होता है। तो हरी मिर्च हम निकाल भी सकते हैं और पसंद आए तो खा भी सकते हैं। मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हमने 3 बड़े बड़े आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट रखा है, यानी कि पील किया, धोया और ऐसे हम क्यूब्स में काट लिए हैं। इसे हम छोड़ देंगे। तो आलू बैंगन की सब्जी बनानी है तो पहले हमें आलू भूनना होता है। प्याज के साथ आलू को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, इससे आलू का टेस्ट सब्जी में बढ़ जाता है। आलू को अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हम मसाला ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये बहुत ही कम मसाला है और बहुत ही टेस्टी बनता है। हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, बैगन में मिर्च की मात्रा ज्यादा होती है तो हम 2 चम्मच यहाँ पे मिर्च पाउडर डालेंगे। और हमें साथ में ही ये टमाटर डाल देना है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े बड़े टमाटर को धो के क्यूब्स में ही काट रखा है, तो हम इसे भी सब्जी में डाल देंगे। जब हमने टमाटर डाल दिया तो साथ में हमें नमक भी डाल देना है। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। तो कभी भी मैं नमक फैलाते हुए डालती हूँ। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें आलू के साथ भूनना है। आप अभी ही देख लीजिए सब्जी कितना सुंदर दिख रहा है, बनने के बाद तो आपको देखना ही है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। हमने मसाले, टमाटर को आलू प्याज के साथ अच्छे से भून लिया। अब देखिए इसका प्यारा सा कलर। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे बैगन। तो बैगन हमने क्यूब्स में ही काटा है, आप देख सकते हैं।
क्योंकि जब भी आप ऐसे बैगन काटेंगे तो सभी सब्जियां एक साथ में पकती हैं, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ये कटे हुए बैगन हम डाल देंगे। बैगन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। बीच में हो सके तो एक बार हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम सब्जी एक बार चला के देख लेते हैं। कितना सुंदर कलर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे चला लेते हैं। सब्जी अपनी ऑलमोस्ट पकी हुई दिख रही है। एक आलू को मैं दबा के आपको दिखा देती हूँ। आलू भी गल चुकी है, इसे थोड़ा सा हम और गलाएंगे क्योंकि गली हुई आलू का स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम इसे 10 मिनट तक और कवर करके एकदम स्लो फ्लेम पे गला लेंगे। इससे पहले हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेते हैं। आलू बैगन की सब्जी में ज्यादा कोई मसाला यूज नहीं होता है। कम मसाला में बनके ये तैयार होने वाला बहुत ही टेस्टी सब्जी है। गरम मसाला मिक्स हो चुका है। हम इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे 10 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी सब्जी गल की थोड़ी हो गई है और इसका कलर भी आ चुका है। हम आपको एक बैगन मैश के दिखा देते हैं। आप देखिए ये बैगन बिल्कुल गल चुका है, आलू भी गल चुकी है। तो बस अपनी सब्जी तैयार है। इसे हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से स्वाद बढ़ जाता है। हम हल्के हाथों से धनिया पत्ता को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मैश की कोई सब्जी पसंद है तो थोड़ा सा स्पून से पेस्ट कर दीजिए। अगर पीसेस अलग अलग दिखने चाहिए तो हल्के हाथों से चलाइए। तो मेरी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म सब्जी हम कढ़ाही सर्विंग बॉल है मेरा, इसमें हम सर्व करेंगे। आलू बैगन की सब्जी बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। इसे हम पूरी पराठे रोटी के साथ खा सकते हैं। ये यही सब्जी है जो कहीं भी सेट हो जाती है, आलू और बैगन। तो फ्रेंड्स इसे आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।